हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठेस के स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें देखिए सिरचन को आने वाले काम, तो सिरचन को क्या क्या काम आते हैं, देखिए मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना, सतरंगे डोर के मोड़े बनाना, मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले व छतरी टोपी बनाना, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक बनाना। फिर नेक्स्ट है, कृति पूर्ण कीजिए। तो सिरचन का मेहनताना, सिरचन की मेहनत क्या थी, देखिए पेट भर खाना और एकाध पुराना कपड़ा। फिर नेक्स्ट है, मानू को उपहार में मिला। तो मानू को उपहार में क्या मिला था, शीतल पाटी और यहाँ पर देखिए दूसरे में चीक और एक जोड़ी आसनी कुश्की। फिर नेक्स्ट देखिए, सिरचन को लोग कहते हैं। तो सिरचन को लोग क्या कहते हैं, मुफ्तखोर और कामचोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। ठीक है, तो आपको जो आपको वाक्य दे रखे हैं उनके आपको उचित क्रम लगाना है। तो देखिए पहले वाक्य पढ़ लेते क्या क्या हैं। सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। उसको आपको इस तरह से लिखना है, लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, सातों तारे मंद पड़ गए हैं, लास्ट में लिखना है ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। तो दोस्तों ये था ठेस के स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।